We are discussing rural and urban transportation. So I am asking two example of rural transportation. Some of the students are giving the right answer. That is tractor trolley, camel cart, bullock cart. These are the rural transportation. Then urban transportation. I give two example of urban transportation. Use your chat box and answer. Very good. Harshit ka chat box mein haath bahut jaldi speed mein chalne lagta hai. Right answer, car and bike. Kavya, very good. Van and car. Scooter, car. Sajay, bike ka spelling galat hai. B-U-C-K kya hota hai? Correct it. Chalo. अब बात कर रहे हैं हम लोग एनिमल इन ट्रांसपोर्ट. एनिमल इन ट्रांसपोर्ट, एनिमल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन रूरल ट्रांसपोर्ट. मोस्टली द एनिमल्स आर यूज इन द रूरल एरिया फॉर एग्रीकल्चर, फॉर ट्रांसपोर्टिंग. ठीक है, हम लोग अलग अलग चीजें देखते हैं. स्पेशली रूरल एरियाज में आप देखते हो कि हम लोग एनिमल्स का यूज जो है अपने डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए करते हैं. जैसे हम लोग सब जानते हैं, as we know that India is a agricultural land. हमारे देश के 2/3 population जो है agricultural field में लगे हुए हैं, agricultural activities करते हैं. और यहाँ की ज्यादा से जनसंख्या जो है वो fully dependent है agriculture. मतलब 2/3, I think 2/3, that means approximately 70-80% जनसंख्या वो agricultural field में लगी हुई है. directly indirectly जो हम लोग कहीं ना कहीं agricultural पे ही dependent है. चावल दाल गेहूं जो होता है वो हम लोग कंज्यूम भी करते हैं, खाते भी हैं, और उसका प्रोडक्शन होना भी जरूरी है. अब एनिमल जिनके पास जो है ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है, तो वो अपने यहाँ एनिमल्स को यूज करते हैं फॉर इन एग्रीकल्चर. ठीक है, फार्मिंग के लिए जो है डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए वो लोग एनिमल्स का यूज करते हैं. इनफैक्ट ट्रांसपोर्ट के लिए भी, एक जगह से दूसरे जगह अगर उनको सामान लेकर के जाना होता है तो उनके पास उतनी मतलब कि इनकम नहीं है, तो वो एनिमल पेट्रोल और डीजल में अपना पैसा नहीं लगा सकते हैं, तो वो एनिमल को यूज करते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट. बुलक कार्ट, कैमल कार्ट आप लोग जानते हो, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रूरल ट्रांसपोर्टेशन. तो उसी तरीके से बात कर रहे हैं एनिमल्स का क्या यूज होता है ट्रांसपोर्ट में. ए बुलक कार्ट और अ हॉर्स का, बुलक कार्ट आप लोग सब जाते हो बैलगाड़ी, हॉर्स कार्ट मतलब घोड़ा गाड़ी, कैन बी गो फॉर द अप टू द फार्म, मतलब फार्म खेतों तक वो चली जाती है. दिस हेल्प द फार्मर्स टू लोड द वेजिटेबल फ्रूट्स इजिली फॉर क्विक ट्रांसपोर्टेशन. आराम से वहां से वो ट्रांसपोर्ट पे वो बुलक कार्ट पे अपना सामान वो लोड करता है और मार्केट की ओर चला जाता है. बुलक हैज बीन अ फार्मर्स फ्रेंड सिंस ओल्डन टाइम. बैल को जो है फार्मर्स का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है. क्यों? उसकी वजह से जो है उनका जितना भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है वो इजिली कर पाते थे. उनको एज अ सन, अपने घर के मेंबर की तरह वो ट्रीट करते थे. हम लोग भी घर पे एनिमल रखते हैं, पेट एनिमल रखते हैं, कोई डॉग रखता है, डिफरेंट पैरोट रखते हैं, रैबिट रखते हैं, हम लोग उसको अपने फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं, खाना टाइम टू टाइम देते हैं, उनकी साफ सफाई करते हैं. वैसे ही हमारा क्या, हमारे एनिमल जो है ओल्डन टाइम में, हमारे पुराने जमाने में जो लोग थे उनको अपने घर के मेंबर की तरह ट्रीट करते थे. The farmers has used it to pull water from the well, plug the field and transport the goods to the market. Most farmers take care of their animals. ठीक है, ज्यादातर जो है animals का use गांव वाले area में किस लिए होता था? Plugging the field, मतलब खेत की जोताई के लिए, कुएं से पानी निकालने के लिए, ठीक है, सामान ढोने के लिए, इस तरीके का वो लोग use करते थे animals का. The camel carts are common sight on the roads of Bikaner and other places of Rajasthan. हम लोग सब जानते हैं camel is called the sheep of the desert. Desert का, रेगिस्तान का वो जहाज है, क्योंकि वो उसके जो पैर होते हैं, camel होते हैं, उसके पैर जो होते हैं वो padded होते हैं, गद्देदार होते हैं, जिसकी वजह से वो बालू में धंसते नहीं है, वो easily उसमें चल पाते हैं.
इसीलिए जो डिजर्ट एरिया में जो है कैमल्स का ज्यादातर यूज किया जाता है एज अ ट्रांसपोर्ट. A cart is loaded with a sack of red chilies and other items. The camel is beautifully decked up with the tassel and bells. The owner dressed the camel as his son and paid him affectionately. अगर आप पिक्चर देख रहे होगे, यहाँ पे ये पिक्चर्स देख रहे हो, कैमल को जो है ब्यूटीफुली डेक्ड किया जाता है, ब्यूटीफुली डेकोरेट किया जाता है, डिफरेंट टैसल, मतलब उसके लटकन बोल सकते हो, अलग अलग तरीके के रिबन लटकन, उससे वो ब्यूटीफुली उसको सजाता है और एज अ सन अपने घर के बेटे की तरह उसको ट्रीट करता है, प्यार करता है. कैमल जो है सीप ऑफ द डेजर्ट इसलिए कहा जाता है, पहला तो हम लोग रीजन जाते हैं कि उसके पैर जो होते हैं वो गद्देदार होते हैं. दूसरा रीजन ये है कि वो ना हम्प में, यानी जो कैमल का हम्प होता है, जो गला होता है, उसमें वो बहुत दिनों तक पानी को स्टोर करके रख सकता है. वो कई दिनों तक बिना खाना और पानी के सर्वाइव कर सकता है, इसलिए कैमल को सीप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है. Do you know all animal must be treated kindness, whether old cow, stray dog, camels or elephant. चाहे कोई भी एनिमल हो, उनके साथ हमको हमेशा दयालु, मतलब काइंडनेस दिखानी चाहिए, उसके हमेशा दया की भाव उनकी तरफ दिखानी चाहिए, ताकि हम लोग जो है वो लोग भी अच्छा सेफ फील कर सके. चाहे वो रोड स्ट्रे डॉग्स हो, ओल्ड काउ हो, या फिर और भी कोई एनिमल. अब बात करें अर्बन ट्रांसपोर्टेशन की. ऑलरेडी यू हैव गिवन सम एग्जांपल ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्टेशन. नाउ डिस्कस किससे पढ़वाएं. चलो हर्षित अनम्यूट करो. यस मैम. चलो हर्षित अर्बन ट्रांसपोर्टेशन पढ़ो. The means of transport in urban areas are different from that in rural areas. Use trucks and हर्षित हम लोग जानते हैं कि रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में जो है उसके जो ट्रांसपोर्टेशन में उसमें डिफरेंस होते हैं. तुम फील करते हो ये चीज? यस मैम. डिफरेंस होता है अर्बन और रूरल एरियाज के ट्रांसपोर्टेशन में? ट्रक्स एंड ट्रेन. अच्छा, सबसे पहले दो एग्जांपल हमको बता दो अर्बन और रूरल एरियाज के ट्रांसपोर्टेशन का, फिर आगे पढ़ना. मैम रूरल में बलॉक एंड टांगा, और मैम अर्बन में कार एंड बस. चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ो. मशीन ट्रेलर्स ट्रांसपोर्ट द वैरायटी ऑफ हैवी मशीन्स फ्रॉम द सी पोर्ट्स and factories to different parts of our country. A trailer carrying the latest cars to a town city reflects the progress of car manufacturing, industry and prosperity of the people who have created the land. चलो हर्षित पढ़ा. द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अर्बन एरियाज आर डिफरेंट फ्रॉम द रूरल एरिया. सबको क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है किसी को कि रूरल ट्रांसपोर्टेशन और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंस है. यूज ट्रक्स एंड ट्रेलर्स ट्रांसपोर्ट अ वैरायटी ऑफ हेवी मशीन्स फ्रॉम द सी पोर्ट्स एंड द फैक्ट्रीज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री. अच्छा, अगर हमको भारी भारी मशीन मंगवाना, हेवी मशीन्स मंगवाने हैं ऑस्ट्रेलिया से, एक बड़ा सा मशीन मंगवाना है ऑस्ट्रेलिया से, तो हम कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को चुनेंगे? अच्छा, वेरी गुड. और हाँ, आदिति, धीरज, काव्या, वेरी गुड. द राइट आंसर इज सी. ठीक है, हेवी मशीनरी हम लोग को मंगाना है, देन वी यूज सी या अदर वाटर ट्रांसपोर्ट. वेरी गुड. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है, पेज नंबर 91 में दिया हुआ है, आप देखोगे एक ट्रेलर कैरिंग कार. अगर मेरे साथ अगर पिक्चर शेयरिंग कर रहे हैं हम,
यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक ट्रेलर है जो डिफरेंट कार का जो है वो फैक्ट्री से शोरूम में ले जाने के लिए यूज किया जाता है, वो पूरे कार से लोडेड है और उसको ले करके जा रहा है। तो ये सारे जो बिग इंडस्ट्रीज हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं आपके कार बस, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हम लोग इस तरीके के ट्रेलर्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये सारे आपके अर्बन ट्रांसपोर्टेशन है। एक ट्रेलर कैरिंग द लेटेस्ट कार टू द टाउन एंड सिटीज रिफ्लेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द पीपुल हु हैव क्रिएटेड अ लार्ज डिमांड ऑफ कार्स। इतनी लार्ज क्वांटिटी में वो कार क्यों लेके जा रहा है, यानी वहां पे कार का जिस जगह पे लेकर के वो टाउन और सिटीज में लेकर के जा रहा है वहां पे कार का बहुत ज्यादा डिमांड होगा। तो इससे क्लियर है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार एंड अदर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया आर इन वेरी लार्ज स्केल। अब चलो नेक्स्ट, वर्तिका अनम्यूट योरसेल्फ। वर्तिका आवाज आ रही है मेरी? वर्तिका आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी? क्या बोल रही हो? मेरी आवाज आ रही है तो, लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। ऑडियो कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट करो। तब तक लक्ष्मी अनम्यूट करो। यस मैम। चलो लक्ष्मी बताओ। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट पैराग्राफ। यस मैम। The modern means of transport have made it easy for goods to be transported from one area to another. Earlier, the cities faced acute storage of milk in the summers, but now the situation has changed because special trucks collect milk even from remote rural areas and transport to cities in all seasons. Mute yourself. Ships Lakshmi, are used... mute yourself. चलो हम लोग जो है अभी लक्ष्मी पढ़ी कि मॉडर्न मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मेड इट इजी फॉर गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। अब क्या है, मॉडर्न मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से जो पहले क्या होता था, गर्मियों के टाइम पे जो शहरों में मिल्क का प्रॉब्लम था, दूध की जो स्केर्सिटी हो रही थी उसको भी वो दूर कर दिया है। अब हम लोग रूरल एरियाज से जो है मिल्क कलेक्ट करते हैं और अर्बन एरियाज में आकर के उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम कैसे दूर हुआ? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट वी हैव सम एडवांस ट्रांसपोर्ट जिसमें फ्रिज कंटेनर्स होते हैं जिसमें वो मिल्क को स्टोर करता है और दूसरे बिग सिटीज में, बड़े सिटीज में जाकर के उसको सप्लाई करता है। तो ये हम लोग का लाइफ जो है वो बहुत इजी बना देता है हमारा ट्रांसपोर्ट। आप कहीं भी जाना है, मान लो अपने स्कूल से हमको मेडिकल जाना है, अब हमको सोचना नहीं, हम आराम से ऑटो लेंगे, उसको 10 रुपया देंगे और वहां पहुंच जाएंगे। तो ये मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है हमारे लाइफ को और कंफर्टेबल और इजी बनाता चला जा रहा है।
चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ेगा भास्कर, आज ज्वाइन किया है, अनम्यूट करो भास्कर। भास्कर यस, चलो भास्कर, पेज नंबर 91, सीप्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग, ये वाला पढ़ना है, तुम पढ़ो। यस मैम, सीप आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग वेरी हेवी आइटम लाइक ऑयल ड्रिलिंग, ऑयल ड्रिलिंग इक्विपमेंट, मेसनरी, पेंटिंग, टेक्सटाइल अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, अदर मैन्युफैक्चरल, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर ट्रांसपोर्टेशन बाय सी बी चीपर देन अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। चलो भास्कर म्यूट योरसेल्फ। यस मैम। ठीक है, अभी पढ़ा सीप्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग हेवी मशीन। अभी आप लोग एग्जांपल भी हमको बताए कि अगर हमको ऑस्ट्रेलिया से एक बड़ा हेवी मशीन मंगवाना है तो हम सीप का यूज करेंगे फॉर ट्रांसपोर्ट। बहुत लाइक ऑल ड्रिलिंग इक्विपमेंट, मशीनरी फॉर प्रिंटिंग, टेक्सटाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये सारे क्या है, इसमें बहुत बड़े बड़े मशीन्स का यूज होता है, प्रिंटिंग मशीन्स काफी बड़ी और हेवी होती है, तो ये सारी जितने भी मशीन्स हैं इनका हम लोग ट्रांसपोर्ट कैसे, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, तो हम लोग वाटर वेज यूज करेंगे, सीप यूज करेंगे, ताकि हम लोग वो बड़े बड़े मशीन्स जो है अदर कंट्रीज से मंगा सकें। ट्रांसपोर्टेशन बाय सीप, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है सीप का वो बहुत कम है, चीपर है एज कम्पेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे हम लोग सब जानते हैं। अच्छा मेरे को बात, जब जानते ही है तो बता दो कि विच इज द एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आई एम आस्किंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, विच इज द एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। काव्या सीप, नो, आंशिका, हर्षित, अर्पित आर करेक्ट, वर्तिका, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आई एम आस्किंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हाँ अर्पित राइट आंसर। कली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डिफरेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम लोग कल भी डिस्कस किए थे इस पे मोड और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, वो क्लियर करके हमको बताओ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। काव्या, काव्या तुम एकदम नहीं पढ़ रही हो, बिल्कुल तुम्हारा पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। कल क्लास अटेंड की थी ना, उसके बावजूद फिर तुम कैसे जवाब दे रही हो, इसी से पता चल रहा है कि तुम कितना सिंसियरली पार्टिसिपेट कर रही हो। काव्या अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। क्यों काव्या, कल नहीं पढ़े थे क्या हम लोग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट? पढ़े थे, पढ़े थे तो पढ़े थे, फिर तो फिर कैसे गड़बड़ हो रहा है, सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। क्या डिफरेंस है मोड और मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट में, मोड क्या होता है बताओ तो, मोड और ट्रांसपोर्ट क्या है? मैम चीपर
चीपर। हम पूछ रहे मोड और मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है काव्या? हर्षित अनम्यूट करो। हर्षित शायद मेरी बात तो काव्या को समझ में नहीं आ रही, थोड़ा तुम ही समझा दो काव्या को कि मोड और मींस और ट्रांसपोर्ट क्या क्या होते हैं। मैम मीन्स होता है जो व्हीकल हम लोग चूज करेंगे जाने के लिए, और मैम मोड होता है जहाँ से जाएंगे, मतलब जिस तरीके से होता है। तो क्या एग्जांपल बताओ मोड ट्रांसपोर्ट का? मैम एयरवे, व्हाटएवर, दीज आर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एयरवेज का मीन्स क्या होगा? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। हाँ चलो ठीक है। देन हम पूछ रहे हैं कि विच इज द एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा काव्या? सबसे महंगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है शिप। अभी तो पढ़ रहे कि चीपर है, वो सबसे सस्ता है। तुम्हारे बैक कैमरा करो और हमको दिखाओ, तो तुम बुक के साथ बैठी हो। यस मैम, बुक के साथ बैठे। देखिए बुक के साथ बैठे हैं और कान बंद करके बैठे, कोई सुनने का कोई मतलब नहीं है फिर तुम्हारा। वहाँ क्या लिखा हुआ चीपर? चीपर का मतलब क्या होता है काव्या? सस्ता। हाँ तो फिर सीप कैसे बोल रही हो एक्सपेंसिव? एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? महंगा। तो फिर महंगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? मैम एरोप्लेन। सबसे महंगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? एरोप्लेन। तो फिर कैसे तुम बताओ, तुम अच्छी अच्छे से पढ़ने वाली लड़की कैसे पढ़ रही हो? ऐसे करोगे क्लास में फिर तुमको एंट्री नहीं करने देंगे काव्या। जब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में तो एकदम अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। चलो तो पहले तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट में अगेन डिफरेंस समझ जाइए। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट द वे आर वी आर यूजिंग फॉर ट्रांसपोर्टिंग, दैट इज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, लाइक एयरवेज, वाटरवेज, दीज आर द मोड। एंड मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे व्हीकल, जो व्हीकल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे एयरवेज में क्या यूज कर रहे हैं? एरोप्लेन। एरोप्लेन इज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। कार, बस, ये सब रोडवेज है, रोडवेज आपका मोड हो गया और कार बस मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया। ये बेसिक डिफरेंस है आपका मोड और मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट में, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे। आगे जो है इसका रिवीजन हम लोग कल करेंगे। ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग पढ़ लिए थे, रिवाइज कर लिए थे। आज का होमवर्क है आप लोगों का लर्न क्वेश्चन ऑफ डी नंबर, आंसर द क्वेश्चन इन ब्रीफ। पांच क्वेश्चंस दिए गए हैं ब्रीफ में, वो पांचों क्वेश्चंस आप लोग याद करके आएंगे और कल हम लोग क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है होमवर्क? सुनाई दिया सबको को? ठीक है, होमवर्क क्या है? लर्न ब्रीफली ब्रीफ क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 11। ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे वापस अपने क्लास में, अच्छे से रिवाइज करके आओगे और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमसे बात करोगे। ठीक है, सारे के पास अपने चैप्टर का पीडीएफ है, कॉपी कंप्लीट है, किसी को कुछ चाहिए पीडीएफ वगैरह तो बोलो हमको, चैट बॉक्स यूज करो और बताओ। नहीं तो फिर क्लास ओवर करते हैं फिर। ठीक है।
बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।